तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग एक्सेल एडवांस एक्सेल पे हम बात कर रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स इट मींस कि किस तरीके से हम अपनी फॉर्मेटिंग कर सके। अब बोले तो फॉर्मेटिंग तो हम करते ही हैं, क्या हम बॉर्डर करते हैं, कलर करते हैं, ये तो करते ही करते हैं, तो इसमें नया क्या। तो फॉर्मेटिंग ट्रिक्स का मतलब ये है कि जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है, ओके, जो हमारा नॉर्मल फॉर्मेट है, उसके अलावा कुछ ऐसे फॉर्मेटिंग है जो कि छोटी छोटी चीजों से होती है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ आपको दिख रहा है कि मान लीजिए कि कुछ ट्रिक्स हैं, ये हम बताएंगे आपके। जैसे वर्ड में हम लोग जैसे डेट लिखते हैं, तब यहाँ पे टेंथ लिखते हैं और यहाँ पे जैन करता है, तो टेंथ जनवरी आ जाता है, ऑटोमेटिक टेंथ ऊपर चला जाता है ना। यहाँ एक्सेल में भी हम लोग क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है यहाँ पे सुपर के। अब मान लीजिए आपको 10 डिग्री लिखना हो तो 10 लिख दीजिए और स्मॉल में ओ लिख दीजिए। अब यदि भी आपको पता है, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो कुछ पता है आपको, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो न पता है आपको, तो सुपर स्किप कर लीजिए। लेकिन ये तो चलो कर लिया है तो पता था आपको, लेकिन मेरे पास कई सारे नंबर हैं, अब क्या करेंगे। इसमें क्या करना है, अब इसे मुझे सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो वो हम पेस्ट स्पेशल से वो वाला कर सकते हैं ना, वो जो हमने, लेकिन वो तो ऐड और वो वाला था जी। हाँ, अब इसमें मुझे इस तरह 1 by 1 जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा, फॉर्मेट सेल में जाना होगा और सुपर स्किप करके करना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन हमें छलावा, मतलब कि हमें दिखाना ही है ना सर, डिग्री दिखाना है ना, हम यहाँ छलावा कर सकते हैं। हमने क्या किया, स्मॉल में यहाँ पे रख दिया, जो मेडिसिन करते हैं सर, सुपर स्किप कर दिया, यहाँ ऊपर कर दिया और इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल और हम सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देते हैं। सुपर स्क्रिप्ट ऊपर कॉन्कैटिनेट कर दोगे, कॉन्कैटिनेट नहीं, फिर कॉन्कैटिनेट करेंगे तो फिर आपको सुपर स्क्रिप्ट लगाना ही पड़ेगा सर। क्या लगाना पड़ेगा, सुपर, फिर तो वही बात हो जाएगी ना सर, कॉन्कैटिनेट करेंगे तो फिर, क्योंकि कॉन्कैटिनेट तो फॉर्मूला कनेक्ट करता है ना, टेक्स्ट ट्रांसफर ही करता है, ये तो उल उल अच्छा फॉर्मेटिंग करेगा, ओके, फॉर्मेटिंग तो नहीं करता है। तो हम क्या कर रहे हैं इसको सर, हमने क्या बोला, छलावा, मतलब कि जो मैजिशियन करते हैं वो यहाँ पे, हम क्या करेंगे कि ये ले लेते हैं और हम बीच का ले लेते हैं, साइड वाला जो फॉर्मेट है वो छोड़ देते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको छोटा कर देते हैं, कर दिए। अब हम रिव्यू में जा, इसमें पेज लेआउट में जाते हैं और इसकी ग्रिड लाइन को हटा देते हैं, हो गया सर। 10 डिग्री की तरह फील हो रहा है ना, हाँ ऐसा नहीं हो रहा है, बट एक्चुअल और छलावा में अंतर तो होना चाहिए ना सर। समझ गया, यही को बोलते हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। अगर आपको 10 स्क्वायर करना हो तो एक चीज ध्यान रखिएगा, सुपर स्किप सब स्किप जो यूज होता है वो सिर्फ यूज होता है, नहीं फाइनेंशियल नहीं होगा, सब टेक्स्ट होता है, अभी दिख रहा है, लेकिन एंटर मारते आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो सिंगल कोड लगाइए, 102 लिखिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और यहाँ पे सुपर स्किप करें, अच्छा ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब जैसे कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स के अलावा कुछ टेक्स्ट भी मान लीजिए हैं, मैं कुछ टेक्स्ट भी लिख देता हूँ, टेक्स्ट को टेक्स्ट भी कुछ लिखता हूँ, मुझे कुछ टेक्स्ट कॉपी करके लाने होंगे।
मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। कोई नहीं सर, सर जियो ने आगे सबकी स्पीड की ऐसी की तैसी कर दी है। किसने? जियो ने आके जियो तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो 1.5-2 साल से जियो ही यूज करता हूँ। जियो का नेटवर्क फ्लक्चुएट नेटवर्क है सर, फ्लैट नेटवर्क नहीं है। हमारी क्लास के लिए जियो सही नहीं है। फ्लैट फ्लक्चुएट मतलब समझा नहीं। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए एयरटेल ने आपको या BSNL ने आपको बोल दिया कि 3 MBPS, तो उसका स्पीड 3 MBPS के पास हमेशा रहता है। बट जियो का क्या होता है कि कभी होता है 1 KBPS, कभी 3 MBPS, कभी 5 MBPS, कभी 10 MBPS, अप डाउन धड़कने की तरह करते रहता है। तो उसमें दिक्कत क्या होता है जब नेटवर्क स्लो हो जाता है। मतलब मैंने तो एयरटेल भी यूज किया। तो पहले एयरटेल सही था, पहले एयरटेल बहुत अच्छा चलता था, बट मतलब मैंने एयरटेल, पहले एयरटेल से बढ़िया कोई था ही नहीं। हाँ सिर्फ एयरटेल ही चलता था बढ़िया, और उससे पहले BSNL चलता था। जी तो जब जियो ने आ गया, रेट उससे कम करने पड़े तो सर्विस कम हो गई। सही बात है, सस्ता होगा सर्विस कम होगा। पहले मेरा 12-13 हज़ार रुपया खर्च होता था इंटरनेट में, अब खर्च होता है 300 रुपया। पहले तो अगर आपको ध्यान हो, मैं 2012 में स्मार्टफोन यूज करना शुरू किया था, 200 मतलब 300 रुपये महीने में 1 GB नेट मिलता था मोबाइल में। हाँ तो मुझे डेली का 7-8 GB का खर्चा था मेरा। अगर मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी ब्रॉडबैंड था, अगर ब्रॉडबैंड 5 दिन खराब हो गया तो 5 दिन में जो है आराम से जो हमें बहुत ढाई हजार का चूना लग जाता था। हाँ जैसे ये लीजिए, मैं इसी को लेता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया, राइट, इसी इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लिया। और इस टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं इसके, अब इसको पेस्ट करना है तो हमें इसको मर्ज करना होगा ना सर। मर्ज किया, अब मर्ज करके डायरेक्ट इस तरह से पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा। नहीं होगा, एक सेल को चेक करके करना पड़ेगा, F2 करके। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें डबल क्लिक करना पड़ेगा, एडिट मोड में आके फिर पेस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ से मैंने रैप कर दिया और यहाँ से कर दिया। अब मान लीजिए इसमें मान लीजिए रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट मान लीजिए या फिर विशेष जो है ये आपका गलत है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप कर सकते हैं राइट क्लिक, फॉर्मेट टेल, और यहाँ पे स्टिक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू दिख गया या स्ट्राइक थ्रू कर, कट जाएगा, वो कट जाएगा, कट जाएगा, दिख रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से आपके पास नंबर है और नंबर पे आप स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो उतना अच्छा अट्रैक्टिव या उस तरह से नहीं दिखेगा, क्या बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए इससे मैं स्ट्राइक थ्रू करता हूँ तो उतना पता चल रहा है सर, नहीं पता चल रहा है। तो अगर आपके आपके पास अगर प्रिंट आउट में होता पेन पेंसिल होता तो आप क्या करते, आप यहां से पेन पेंसिल उठाते और इस तरह से क्रॉस कर देते। लेकिन इस तरह के एक्सेल में कैसे करें हम, ये तो मैं जूम कर रहा था इसे कर लिया। तो एक्सेल में करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए, यहां आप फॉर्मेट सेल कीजिए, बॉर्डर, कलर, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए, डायमंड्स, ठीक है, और इसको ओके कर दीजिए, अब बेटर है। और F4 होता है शॉर्टकट हमारा कि लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अब आपको सही का निशान लगाना है तो क्या कीजिएगा, फॉर्मेट सेल पे जाइए और यहां से आप कलर ले लीजिए, देन ओके कर, हो गया सर। इस तरह का चीजें कर सकते हैं। ओके, लेकिन आपने जो भी किया है, आपने अप्लाई किया है फॉर्मेटिंग,
ये आपकी किसी कैलकुलेशन में, किसी भी तरह की कैलकुलेशन में या किसी भी तरह के फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप इसे फिल्टर नहीं लगा सकते, समझे? अच्छा क्योंकि फॉर्मेटिंग रीड नहीं की जा सकती ना सर फॉर्मूले के थ्रू। हाँ हाँ वो तो है, पर नंबर नंबर्स तो पे फिल्टर लग जाएगा, फॉर्मेटिंग में पे नहीं दिखेगा। मान लीजिए कौन सा कलर है उस पर फिल्टर लगाना है, तो कलर मैंने रिकॉर्ड सारे फिल्टर लगाना है तो नहीं ना लगेगा सर। तो उसका सोल्यूशन है कि कैप्स में पी लिखिए और पी के ऊपर हमारे पास एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू नाम का या बेडिंग टू नाम का फॉन्ट होता है। एक और दिखता हूँ, ठीक है, बाइंडिंग है ना। तो ओ पी को क्या करता है, इस तरह का टिक के निशान में कन्वर्ट कर देता है और क्रॉस को ओ के निशान में। अब इसके ऊपर आप कुछ भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आप क्रॉस के लिए आपको ओ एक्स एक्स है, टिक के लिए आपका यहाँ पे पी है। हेलो, हेलो, आवाज आ ये रही आ, 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 बीच में आवाज चली गई थी तो मैं फॉलो नहीं कर पाया। पी पे बाइंडिंग का कोई फॉर्मेट लगा रहे थे, फॉन्ट बाइंडिंग टू। अच्छा, ये बाइंडिंग टू लोग, ओके बाइंडिंग टू क्या करता है, ओके। पी को टिक के निशान में कन्वर्ट कर देता है एंड ओ को क्रॉस निशान में कन्वर्ट कर देता है। ओके ठीक है, ठीक है ना, इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको अगर इस तरह का फॉर्मेटिंग ना हो, मतलब कि ये बैनर का फॉन्ट आपके पास ना मिले तो क्या करेंगे? तो इसका एक हम लोग करते थे कि हम कैप्स में जे लिखते थे, ठीक है, और इस जे को हम लोग यहाँ -90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते, नहीं माइनस प्लस हो गया, ये नीचे वाला माइनस एग्जैक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता था क्या सर? और क्रॉस तो हमारे पास है, क्रॉस का ही हमारे पास, तो क्रॉस है ही, एक्स है हमारे पास। लेकिन क्या ये जो हमने अलाइनमेंट किया इसका यूज इतना ही है या कुछ और भी है? तो चलिए इसका यूज हम आपको समझाते हैं। नहीं, अलाइनमेंट एक और इस्तेमाल समझाते हैं। मैं यहाँ पे मान लीजिए अटेंडेंस का फॉर्मेट में आ रहा हूँ, सितंबर का ही मैंने अटेंडेंस बनाया। आगे की तरफ ड्रैग कर दिया, और भी हो सकता है, इसे पूरा फॉलो कर लेते हैं। हाँ, अभी इसको हमने कर दिया, डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद हमने पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया, हो गया सर। और इसको बोलते हैं ऑटो फिट करना। तो हमने कुछ नाम, कुछ पर्सन के नेम दे लिया, वन टू थ्री कर देता हूँ सर, इसमें कस्टम लिस्ट नहीं आया है। वैसे वो आप फाइल में जाके ऐड करने को आपने बताया था ना, कस्टम या लिस्ट। फाइल फाइल में करते हैं, हेलो, हाँ हेलो, आज आवाज काफी, वही नेट के चक्कर में आवाज कट रही है काफी। नहीं मैं चुप था सर, वो फाइल में जाके ही है ना सर कस्टम लिस्ट का। जी हाँ, फाइल में। फाइल के अंदर में कस्टम लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे एडवांस में, ठीक 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 हाँ पता नहीं कस्टम मूव नहीं कर रहा मेरा, स्क्रॉल की तो नहीं बंद हो गया?
स्क्रॉल की बंद हो गया हो। इसका था सिस्टम हैंग कर सकता। अच्छा कंट्रोल आर एंड कंट्रोल डी। अच्छा कंट्रोल आर से राइट क्या फील होता है, राइट फील, राइट फील एंड डाउन फील। अच्छा ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब प्रॉब्लम है कि मेरा पेज पेज पे प्रिंट नहीं होगा। हमने क्या किया, इसको ये कर दिया पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर दिया, इसका हमने मार्जिन जो है नॉर्मल की जगह पे नैरो कर दिया, फिर भी आप देखिए 14 तक ही दिख रहा है। तो आप रियलाइज कीजिए कि आपका सिर्फ हेडिंग बड़ा है, बाकी पूरा डेटा तो छोटा ही है। इसको अलाइनमेंट कर दोगे आप? इसको सिलेक्ट करके मैं इसको अलाइन कर देता हूँ, हो गया। अब यहाँ होगा डबल क्लिक, हो गया, एक पेज पे प्रिंट आ जाएगा सर। तो इस तरह की चीजें भी हम करते हैं, क्योंकि हमारा हेडिंग भी पढ़ा जा रहा है और डेटा भी पढ़ा जा रहा है। अगर मैं इसकी प्रिंटिंग साइज छोटा करता तो फिर वो रीडेबल नहीं होता, रीडेबल नहीं होता। तो इसमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमने फॉन्ट कर लिया, हमने अलाइनमेंट हो गया हमारा, बाकी तो नॉर्मल चीज आपको पता ही है। उसके बाद रैप टेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, अब यहाँ जैसे सुजीत कुमार आपने लिखा तो आगे चला गया, तो आप क्या करते हैं रैप करते हैं तो नीचे आ जाता है। तो जो रैप होता है तो अपने हिसाब से आता है ना सर। लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो हो मेरे हिसाब से, जब मैं चाहूँ तो नीचे आए, तो ऑल्ट एंटर का शॉर्टकट होता है। हाँ। जहाँ कर सर वहां से नीचे आ जाएगा। लेकिन जब आप रैप करते हैं तो आपका रो की साइज बढ़ जाता है, जब आप ऑटो फिट करते हैं तो कॉलम की साइज बढ़ जाता है। मैं चाहता हूँ कि ना मेरा रो की साइज बढ़े ना कॉलम की साइज बढ़े, जो इतना बड़ा मेरा कॉलम है उतने एरिया में फिट हो जाए। तो वहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा आपको श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट, पर रैप नहीं होना चाहिए, रैप हटाना पड़ेगा। तो श्रिंक टू फिट में हो जाएगा। वैसा नहीं कि श्रिंक टू फिट में हो जाएगा तो आप इसको बड़ा करेंगे तो बड़ा होगा, जी हाँ बड़ा होगा, लेकिन ओरिजिनल साइज तक। आप तो बोले काफी बड़ा कर दिया तो बड़ा हो गया, तो नहीं, ओरिजिनल साइज तक वो बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। इससे आपके पास मान लीजिए, क्योंकि वैसे आपने ऑटोमेटिक डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिससे आप नंबर सेलेक्ट करते हैं तो कस्टमर के नाम आते हैं, तो आपका ऐसा लग रहा है कि जो आपके बहुत सारे कस्टमर के नाम ऐसे हैं जो कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो हर बार उसको ऑटो फिट करना पॉसिबल नहीं होता है या प्रिंट में भी दिक्कत हो जाती है, तो उसको इस तरह से श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। फिर मर्ज है, आप यहाँ से मर्ज करते हैं, मर्ज हो जाता है। मर्ज के अलावा यहीं पे आपके सामने होता है मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस इस तरह से वन बाय वन मर्ज होगा, फिर रो कॉलम मर्ज होगा रो नहीं। उसके बाद आता है नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आधा आज मैं कराऊंगा आधा कल कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें नंबर फॉर्मेटिंग में जो आ रहा है, सबसे पहला जो आप देखे जनरल, जनरल मतलब जैसा आप नंबर टाइप करते हैं उसी तरह का होता है, ठीक है। नंबर नंबर में आप यहाँ पे अपना डेसिमल प्लेस थाउजेंड सेपरेटर और नेगेटिव कि आपका नेगेटिव में हो तो कैसा हो। अगर आपने रेड वाले को सिलेक्ट किया तो नंबर में नेगेटिव का साइन नहीं दिखेगा, सिर्फ कलर रेड हो जाएगी। यहाँ पे ना कलर रेड होगा ना नेगेटिव साइन देगा, ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पे दोनों होगा, ब्रैकेट भी जाएगा कलर रेड भी हो जाएगा, बट नेगेटिव साइन नहीं दिखेगा। ये बेसिकली ये सब यूके वगैरह में यूज किया जाता है, इंडिया में तो जनरली हमारा यूज होता है। करेंसी में भी आपका सेम है, करेंसी का सिंबल यूज कर सकते हैं या करेंसी कोड यूज कर सकते हैं। करेंसी कोड जैसे INR हुआ, अब करेंसी कोड कब यूज करते हैं सर बताइए, करेंसी कोड का, करेंसी कोड कब यूज करते हैं जी? जब आप अपनी बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो, कंपनी फाइनेंशियल्स बना रहे हो या कोई रिपोर्ट बना रहे हो जहाँ पे आपको ये देना है कि ये USD डॉलर है, किस करेंसी में है, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो डॉलर साइन भी तो दे सकते हैं,
अगर वैल्यूज डॉलर साइन में होगी तो डॉलर साइन भी देंगे, अगर रुपीज में है तो फिर यही तो INR दिक्कत, लिखोगे। यही दिक्कत है ना सर, इसका यूज होता है जो आप जो है मल्टीनेशनल कंपनी में, मल्टीनेशनल सिटीज के मल्टीपल कंट्रीज के लिए आप डेटा, आपका डेटा आपके डेटा है मल्टीपल कंट्रीज का वैल्यू है, तो अगर आपने मान लीजिए कि डॉलर साइन लगा दिया, ठीक है ना, तो डॉलर साइन के प्रिंट आउट में या विजुअल में थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा डॉलर है, यूएसडी डॉलर है, कैनेडियन डॉलर है, कैनेडियन डॉलर तो नहीं होता, यूज होता है यूएसडी डॉलर है या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन है, सिंगापुर है, क्या सबका साइन तो एक ही होता है ना, हाँ जी तो वहां पे हम करेंसी कोड देते हैं। फिर अकाउंटिंग में सिर्फ करेंसी कोड होता है, बाकी चीजें नहीं होती, लेकिन इसका यूज हम एक जगह पे हम करते थे। हम क्या अच्छा करते थे कि एक का जो है डेटा हमारे पास मान लीजिए है, उसमें जीरो जीरो कहीं पे बहुत जगह पे जीरो शो होता था, तो जीरो मुझे ढूंढना पड़ जाता था। तो हम क्या करते थे कि फॉर्मेट सेल में जाते थे और यहाँ अकाउंटिंग में करेंसी कोड में नन कर देते थे, देना दीजिए अदरवाइज जीरो कर दीजिए। तो क्या करता है, जीरो कोई तरह से डैश में होता है, ध्यान रखिएगा एक्चुअल में जीरो ही है बट इसकी हाँ विजुअल है वो डैश है, क्योंकि तो सिंपल सा जी थ्योरी है कि फॉर्मेटिंग नेवर चेंज द ओरिजिनलिटी, जस्ट चेंज द विजिबिलिटी। ओके उसका जो विजुअल है वो सिर्फ चेंज होगा, ओरिजिनल जो है वो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आपका डेट, यहाँ पे डेट का फॉर्मेटिंग है, जो मर्जी डेट डालना चाहे, यहाँ पे अलग अलग कंट्री के डेट है, टाइम है टाइम डाल दीजिए, बट टाइम में ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपने अगर 37 घंटे 20 मिनट किसी का अगर निकाला हुआ है जो मोर देन 24 आवर का टाइमिंग है, आपका डिफरेंस है, अगर वो गलती से मान लीजिए जनरल फॉर्मेट में हो गया, अगर उसको आप यहाँ पे टाइम में और सिलेक्ट करते हैं तो 24 आवर्स से ज्यादा नहीं दिखेगा, देखा 1:10 PM दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे 37:30:55 दिख रहा है आपको सर, इसको सिलेक्ट करना होगा, 37, 30 एंड 55, देन इनको ओके की, अब रिजल्ट आपके सामने है। डाउट इसमें? नहीं हो गया। इसके अलावा यहाँ बाकी फॉर्मेट में आपका जो है वो आपका फ्रैक्शन परसेंटेज या नॉर्मल परसेंटेज है, फ्रैक्शन पता है फ्रैक्शन क्या होता है शुभम जी? टू हेलो। पॉइंट हाँ सर सुन रहा हूँ, हाँ, मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शन यूज नहीं किया बट पता है कि फ्रैक्शन होता क्या है। हाँ जैसे आपने कर दिया ना 1/2 कर देता है आपका। उसके अलावा यहाँ पे साइंटिफिक, हाँ इसमें टेक्स्ट का एक है, जैसे मान लीजिए मुझे चेक नंबर लिखना है, राइट, तो चेक नंबर में जीरो एक्सेप्ट नहीं करता ना, तो हम लोग सिंगल कोड लगा देते हैं, वो हाँ वही सिंगल, पर इससे फिर वो कैलकुलेशन वगैरह पे फर्क तो पड़ता नहीं, वो सिंपल एरर एरर दिखाता है ग्रीन कलर का एक। हाँ कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, अच्छा तो टेक्स्ट सेलेक्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे टेक्स्ट कर देंगे तो सिंगल कोड लगाने की जरूरत नहीं होगी, अच्छा लेकिन दिक्कत ये होगा जब किसी ने टाइप करके दे दिया आपको, जैसे इस तरह से, अब मुझे इसमें सिक्स डिजिट मेंटेन करना है, मतलब कि जीरो आगे लगाना है जितना डिजिट कम है, तो उस केस में हम यूज करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग, ठीक है, ये कस्टम सबसे फॉर्मेटिंग में इम्पोर्टेंट आते है। हैं। हाँ कस्टम फॉर्मेटिंग में आते हैं और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अच्छा 10 में 6 होगा ना, सॉरी 6 था, 6 0 डाल दिया एंड ओके कर दिया। ओके तो अपने आप फिल कर देना। क्लियर है, हाँ जी कोई डाउट इसमें नहीं है सर? नहीं, कस्टम फॉर्मेटिंग में बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, उसको कैसे हाँ देख वो सारी एक्सप्लोर जो किया चीजें जाए। हैं वो हम बात करेंगे एडवांस कस्टम फॉर्मेटिंग मतलब कि कल की क्लास में।
फिलहाल जो ठीक फॉर्मेटिंग ट्रिक्स दिया है उस पर आप ध्यान दीजिए। उसके बाद कस्टम फॉर्मेटिंग की दो क्लास होगी, कल एक बताएंगे, फिर एक आर्टिकल देंगे पढ़ने के लिए, फिर अगली क्लास में हम उससे आगे किसी और बात करेंगे। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक है, कल मिलते हैं सेम ओके। टाइम। हाँ जी सर, थैंक यू।